के अंदर हम लोगों के पास 42 प्रॉपर्टीज और 116 स्क्रीन्स हैं पूरे भारत के अंदर, जिसकी प्रेजेंस करीब करीब 29 सिटीज़ के अंदर और 15 स्टेट्स के अंदर हम लोगों की प्रेजेंट है। अभी मिराज सिनेमाज हम लोगों ने जो ब्रांड चालू किया था, ये चालू किया था 2012 के अंदर। 2012 से अभी आज तक के टाइम के अंदर हम लोगों ने बहुत रैपिड पेस पे ये जो अपनी स्क्रीन्स डेवलप की हैं 116 स्क्रीन्स, बहुत ही रैपिड पेस पे डेवलप की है। इसके अलावा जो हमारे आगे आने वाले प्लान्स हैं, तो हम लोगों का ये प्लान है कि जितनी भी अभी तक की हमारी स्क्रीन्स डेवलपमेंट है 116 स्क्रीन की, ये हम डबल करने वाले हैं आगे आने वाले 15 महीने के अंदर। तो 15 महीने के अंदर जो काम हम लोगों ने 5-5.5 साल के अंदर अभी किया है, उसको उस स्पीड पे लेके जा रहे हैं कि इस स्क्रीन प्रेजेंस को हम लोग डबल करेंगे पूरे भारत के अंदर आगे आने वाले 15 महीने में। इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो हम लोग काफ़ी सारे स्टेट्स के ऊपर फोकस किया है। इसके अंदर हरियाणा भी एक स्टेट है। हरियाणा के अंदर ऑलरेडी हम लोगों की 3 प्रॉपर्टीज अभी ऑपरेशनल है, जिसके अंदर एक है सोनीपत की प्रॉपर्टी, एक हमारी हिसार के अंदर ऑपरेशनल है, एक हमारी गुरुग्राम के अंदर ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है। अभी इसके बाद अगर हरियाणा का हम लोग टारगेट लें, हरियाणा के अंदर हम लोग जैसे टाउन्स वगैरह करनाल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम लोग पानीपत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पंचकूला के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिरसा के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रेवाड़ी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फरीदाबाद के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हरियाणा के अंदर ही आगे आने वाले टाइम के अंदर करीब करीब 7-8 प्रॉपर्टीज के ऊपर और फोकस है हम लोगों का, और उसके अंदर करीब करीब हम लोग इन्वेस्टमेंट भी अगर देखा जाए तो हम लोगों की करीब करीब 50 से 55 करोड़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर हरियाणा स्टेट के अंदर। और जहाँ तक सोनीपत वाली प्रॉपर्टी का है, ये सोनीपत प्रॉपर्टी हम लोगों ने 20 में से चालू की थी। इसमें 3 स्क्रीन्स हैं, 3 स्क्रीन्स के साथ साथ इसके जो प्रोजेक्टर सिस्टम्स हैं और जो सीटिंग्स वगैरह आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी लुक एंड फील हम लोगों ने दिया है, हम लोगों ने अपनी तरफ से शहर का सबसे बेस्ट मल्टीप्लेक्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है सोनीपत के अंदर। जैसे सोनीपत के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक थर्स्ट थी लोगों के अंदर, एक वो था कि मल्टीप्लेक्स जाना है, बट लेकिन मैं ये देखता था कि वहाँ पे कुंडली के अंदर 2-3 मल्टीप्लेक्सेस बने हुए थे, लोगों को ट्रैवल इतना करना पड़ता था कि मतलब यहाँ से भी अगर कुंडली देखा जाए तो करीब करीब 12-12, 15-15 किलोमीटर लोगों को ट्रैवल करके जाके मूवी देखनी पड़ती थी। अपना शहर के बीचों बीच कोई मल्टीप्लेक्स का मतलब और भी ऑप्शंस हैं, बट लेकिन आई पर्सनली फील सो कि जो मल्टीप्लेक्स की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जैसा मल्टीप्लेक्स होना चाहिए, वैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो हम लोगों ने वो डिलीवर करने की कोशिश की है, हम लोगों ने अपना बेस्ट करने की यहाँ पे कोशिश की है, और अभी तक का जो रिस्पांस है, जो 5-6 दिन का रिस्पांस है, उस हिसाब से हम लोगों को रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारी जितने भी एफर्ट्स हम लोगों ने पुट अप किए इस मल्टीप्लेक्स को डिलीवर करने की। सर देखिए, सिनेमा के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि सिनेमा का ओवरऑल 360 डिग्री का एक्सपीरियंस। आप जब भी कभी जाते हैं सिनेमा के अंदर, चाहे आप अकेले जाते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, चाहे अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, तो उसके अंदर राइट फ्रॉम जैसे ही आप गेट के अंदर घुसे, तो वहाँ से आपको पार्किंग का कैसा फील मिल रहा है, पार्किंग के बाद आपको सिनेमा तक पहुँचने में तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, और सिनेमा में जब आप आए तो आपको एक एटमॉस्फेयर कैसा मिल रहा है, आपको सेफ एटमॉस्फेयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, आपका लुक एंड फील कैसा है, आपकी प्रॉपर्टी की एम्बियंस कैसी है, आपकी प्रॉपर्टी के सीट्स कैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टी के लेग स्पेस कैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टी की स्क्रीन्स कैसी हैं, साउंड कैसी है। स्क्रीन्स यहाँ पे हम लोगों के सारे 2K 12 प्रोजेक्टर्स हैं यहाँ पे, जो हम लोगों ने जो बेस्ट इन द मार्केट है आज के टाइम के अंदर, वो हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं। अगर साउंड की बात करें तो सारे 7.1 डॉल्बी साउंड है यहाँ पे, तो साउंड के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो बाकी कॉम्पिटिटर्स से जो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से जो होती थी रील बनाने का पैसा बहुत मिलता था। आज के टाइम के अंदर क्या होता है कि जो हम लोगों के पास जो हम चलाते हैं सिनेमा, उसका एक सर्टेन अमाउंट होता है जिसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। सपोज हमारे जो प्रोजेक्टर्स हैं, उन प्रोजेक्टर की जो कीमत होती है, वो कीमत चलती है 25 लाख से लेकर 70 लाख तक के प्रोजेक्टर, करोड़ रुपये तक के एक एक प्रोजेक्टर आता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप कोई कंटेंट प्ले कर रहे हैं, तो आप एक प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर से एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करते हैं। तो उनका ये था, रिक्वेस्ट ये था कि हम लोगों की जो भी छोटे स्केल की पिक्चर होती है, वो मैं सारे मल्टीप्लेक्सेस में दूँ या ना दूँ, क्योंकि मेरे को तो पे हर एक मल्टीप्लेक्स के हिसाब से, हर एक स्क्रीन के हिसाब से। देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है। तुझमें पूरा देश है भारत।